मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने 7 नवंबर से शुरू हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि बीएलओ डोर टू डोर सर्वे करके लोगों को मतदाता बनने के लिए जागरूक करेंगे। इसके साथ एनवीएसपी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के द्वारा मतदाता बनने का तरीका भी बताया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने छात्र छात्राओं को बताया कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपना मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना नाम दर्ज करना है या अपने वोटर कार्ड में किसी गलती को सुधारना है तो चुनाव कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड में सुधार का काम आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से किया जा सकता है। इसके लिए बस आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर नाम को शामिल करने या गलती सुधारने के लिए आवेदन करना होगा। साइट पर निर्धारित फॉर्म भरकर यह काम किया जा सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को वोटर बनने की अपील की। यहाँ पर जानते हो सब कुछ करना, आपके पास मोबाइल होगा, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप प्ले स्टोर पे इलेक्शन कमीशन के काफी सारे ऐप्स हैं, उसमें से आप लोगों के लिए एक वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है। इसमें आप जाके अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन जमा कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कैसे याद करोगे क्या चाहिए, आपको हम कैसे पहचानेंगे, आपकी फोटो चाहिए, उसके बाद आप 18 के हो गए हो, उसके लिए बर्थ का प्रूफ चाहिए और आपको हम पहचाने तो आपका पहचान पत्र आईडी, आधार दे दो, राशन कार्ड दे दो, कोई भी एक ऐसा आईडी जिससे कि आपका एड्रेस या कि आप यहाँ निवास करते हो और आप यहाँ के नागरिक हो उसके बारे में हम जान सके। ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स देते ही आपका फॉर्म 6 जमा हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा, आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। समझ गए? यही मेजर बातें हैं। उम्मीद करते हैं आप अधिक से अधिक लोगों को इन स्पेशल समरी रिवीजन फेज के अंदर मतदाता सूची में जुड़वाएंगे, ताकि सभी लोग अपना मतदान करने के अधिकार का लाभ उठा सके। थैंक यू।